हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज अपन लोग बात करने वाले हैं होंडा की तरफ से एक ऐसी ऑफरिंग के बारे में जो कि आपको 2-3 साल पहले इंडियन मार्केट में देखने को मिलती थी, और उस टाइम पर आपको इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते थे, लुक वगैरह भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता था। ये बाइक काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल कर देती थी और इसने अपनी काफ़ी अच्छी क्रेज भी बना के रखी थी। आज अपन लोग बात करने वाले हैं होंडा ड्रीम योगा के न्यू मॉडल के बारे में, क्योंकि यार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन मार्केट में अभी 110 cc सेगमेंट की बाइक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और ज़्यादातर लोग अभी डेली कम्यूटिंग के पर्पज़ से 110 cc सेगमेंट की बाइक को ही परचेज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में होंडा जो है अपनी ड्रीम योगा के न्यू मॉडल को फिर से इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकता है, और ड्रीम योगा के न्यू मॉडल में आपको काफ़ी सारे कॉस्मेटिक अपडेट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ न्यू फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ड्रीम योगा के न्यू मॉडल के बारे में A to Z डिटेल से जानना हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें, और इसी तरह बाइक की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ड्रीम योगा के न्यू मॉडल में आपको काफ़ी सारे कॉस्मेटिक अपडेट देखने को मिलेंगे। सबसे फर्स्ट अपडेट आपको इसके फ्रंट लुक में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यार इसका फ्रंट का लुक उतना कुछ खास नहीं है, तो इसके फ्रंट के लुक में आपको काफ़ी सारे अपडेट देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें आपको बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन का हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा और LED DRL देखने को मिल जाएगी, जिससे इसका फ्रंट का लुक पहले से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, पहले से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। रियर लुक के बारे में बात कर लें तो रियर की साइड में भी आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाएगी, और इंडिकेटर्स आपको बल्ब में ही देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा। जैसा मीटर कंसोल अभी आपको लीवो में देखने को मिलता है, ठीक उसी टाइप का मीटर कंसोल आपको इसके न्यू मॉडल में भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे के सारे बेसिक फीचर्स ही देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि इसके टैंक पर आपको टैंक काउल भी देखने को मिल जाए, जिससे इसका लुक थोड़ी सा मस्कुलर हो जाएगा, बाइक थोड़ी सी मस्कुलर लगेगी देखने में। और इसमें अब आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है, पहले आपको इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इसके न्यू मॉडल में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। टायर साइज़ के बारे में बात कर लें तो इसमें आपको फ्रंट में 80 सेक्शन का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर, और रियर के साइड में भी आपको 80 सेक्शन का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको डेली कम्यूटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छे टायर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी इंजन के बारे में बात कर लें तो इसमें आपको 109.7 cc का 4-stroke 2-bulb air-cooled BS7 compliant इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि जनरेट करेगा लगभग में 8.4 BHP के अप्रॉक्स पावर और 9.1 Nm के अप्रॉक्स टॉर्क। तो इसमें आपको सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी पावर देखने को मिलेगी, और इसमें अब आपको 5 स्पीड का गेयर बॉक्स भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी सेगमेंट में आपको प्लेटिना एच गेयर में 5 स्पीड का गेयर बॉक्स देखने को मिलता है। तो इसके न्यू मॉडल में भी आपको 5 स्पीड का गेयर बॉक्स देखने को मिल सकता है। प्राइस के बारे में बात कर लें तो ड्रीम योगा के न्यू मॉडल की एक्सोरम प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है 60,000 रुपीज़ से लेकर 65,000 रुपीज़ अप्रॉक्स। तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइड सेफ। जय हिंद।